हमारे साथ एक नए मछली पालक है, अशोक सिंह जी जो है, जो गोरखपुर सहजनवा में मछली पालन का काम करते हैं, और इन्होंने इस राह को दिखाया है। आने वाले समय में इन्होंने बहुत उन्नत की, नए नए टेक्निक का भी उपयोग किया। इनसे जानते हैं कि आप आने वाले लोगों को क्या मार्गदर्शन करेंगे, क्या सुझाव देंगे, और आपने कितनी उन्नत की, कैसे किया, इसके बारे में। ये मछली पालन का काम हमने 4 साल पहले शुरू किया। ARS सिस्टम लगाया गया सरकार के अनुदान से, उसके बाद और तालाब बनाए गए। तालाब जो है करीब करीब 3 एकड़ में मछली पालन का काम चल रहा है, और काम ठीक है, इसमें कहीं से कोई नुकसान नहीं है। और यहाँ जो है 35 बैकर मछली, रूपचंदा के साथ साथ तिलापिया और IMC का काम होता है, जिसमें IMC का मतलब ये हो गया कि रोहू, भाकुर, ग्रास, सिल्वर और बिगहेड, ये सब मछलियाँ आती हैं IMC में। ये बताइए, आपने शुरुआत किस सोच से की कि इस फील्ड के आप तो थे नहीं, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद आपको कितनी कठिनाई हुई, ये आने वाले हमारे कृषकों के बारे में इसके बारे में बताइए, क्या लाभ लेंगे? शुरू शुरू में हमारे पास ये तालाब हमने बनवाया, और हम और मल जी दोनों लोग साथ ही काम शुरू किए, और बच्चा हम लोग लाए, बंगास का बच्चा लाए महाराजगंज से, और यहाँ डाले, और 1 साल करने के बाद थोड़ा सा कुछ लाभ मिला तो थोड़ा मन और आगे बढ़ा कि अगर किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। तो उसके बाद ये काम धीरे धीरे चलता गया, इसमें सरकार का भी सहयोग मिलता गया, यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मिलता गया, इससे एक रास्ता बनता गया। आज ये मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर है, जहाँ पर नए नए लोग आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ मत्स्य विभाग भी एक काम कर रहा है, केंद्र से भी अनुदान आ रही है, नए किसान इसमें आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे वो करें और किस तरह विकास करें? नए नए किसान पहले छोटे स्तर पर शुरू करें, शुरू करने के बाद सरकार से सहयोग भी मिल रहा है, उसको भी लें और अपना काम धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। 1 साल करेंगे तो उनको खुद अनुभव हो जाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना बहुत नुकसान का काम है। अगर काम करेंगे तो 25% ईमानदारी से बचेगा। अच्छा, ईमानदारी से बचेगा, इसमें कई कठिनाइयां आती हैं, जैसे मछली मरने का काम हो जाता है, कुछ रोग आते हैं, इसमें सरकार कितनी मदद करती है या पूरी मदद की जाती है? प्राइवेट जो दवाएं बेचते हैं वो लोग काफ़ी एक्टिव हैं इस क्षेत्र में। जैसे आप सूचना देंगे कि हमारे तालाब में मछलियां मर रही हैं, वो आ जाएंगे, पानी का स्तर नापेंगे, उसमें क्या ऑक्सीजन की कमी है कि ज़्यादा है कि अमोनिया ज़्यादा है, इस तरह आपको मालूम हो जाएगा, उसका थोड़ा ट्रीटमेंट कर देंगे तो सही हो जाएगी व्यवस्था। और आगे क्या प्लान है, आगे और कौन से तरीके से आप करने जा रहे हैं, कुछ नए तकनीक भी यूज करें, सरकार का कुछ नया प्लान आ रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी बताएं? सरकार भारत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तमाम स्कीमें आई हुई हैं, इसकी लास्ट डेट 30 जून है, उसमें बायोफ्लाक सिस्टम हमने भरा है, बायोफ्लाक से थोड़ा सा मछलियों का काम देखा जाएगा कैसा चल रहा है, उसमें नई तकनीक है। चलिए, नई तकनीक। तो ये थे अशोक जी, इन्होंने बताया कि मछली पालन में आने वाले किसानों के लिए बहुत अच्छा भविष्य है, जो नए पढ़े लिखे नौजवान इसमें आना चाहते हैं उनके लिए भी एक सुरक्षित भविष्य है, वो नए टेक्नोलॉजी और सरकार के सहयोग से एक अच्छा उद्यम लगा सकते हैं, स्वरोजगार लगा सकते हैं। लखनऊ से विजय पांडे, गोरखपुर जनवाड़ी के लिए।